दोस्तों, हम यहाँ आलू की चिप्स बनाने जा रहे हैं। हमें सबसे पहले आलू में ये देखना है कि आलू हमें हमारे कर्रे होने चाहिए। आप जब लेने जाएं तो आलू की क्वालिटी, मतलब आलू हमें कर्रे होने चाहिए ताकि वो नरम ना हो। और ये आलू हमारे सब छीलने के वक्त हमारे सफ़ेद दिखते हैं, और अगर आप जो नरम लेते हैं वो आलू पीला होता है, और पीले की चिप्स अच्छी नहीं बनती। तो आप हमेशा जब भी आलू खरीदें चिप्स के लिए तो वो कर्रे होने चाहिए। तो आप मैं अब इन्हें बताती हूँ कि आलू को छीलना कैसे है, और इन्हें आप चिप्स बनाने के लिए हम तैयार कर लेते हैं। पहले हम इन्हें छील लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये सफ़ेद है ये आलू। देखिए मैं छील देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये सफेद है, तो आपको ऐसे आलू लेने चाहिए। ये मैं दूसरा और छील के बता रही हूँ आपको। तो दोस्तों, आप ऐसे ही आलू लें, हमारी चिप्स इससे अच्छी बनती है। और हम ये चिप्स को कम से कम 2-3 पानी में इसे हम निकालेंगे। अब हमें इसको चिप्स निकालने के बाद हम 2-3 पानी में इसे निकालेंगे। लीजिए मेरे ये आलू, मैंने ये आलू छील लिए थे, ये आलू हैं। अब मैंने इसमें ये इसमें मैं किस रही हूँ। चिप्स हमने किस ली है, ये देखिए, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है। तो ये हम इसे हम 2-3 पानी में इसको अच्छे से धो देंगे, और फिर इसको रात भर के लिए पानी में गला रहने देंगे। तो फिर हम सुबह इसकी चिप्स बनाएंगे। तो इसे रात भर हमें पानी में गला रहने देंगे, और 2-3 पानी से अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारी ये सुबह हो गई है और हम इससे चिप्स बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये लीजिए, मैंने गैस चालू कर दिया है और मैंने ये पानी रख दिया है। इसमें थोड़ा पानी और बढ़ा देते हैं। अब इस पानी को सिर्फ उबाल आने तक हम इसे उबालेंगे। इसके बाद जो चिप्स हमने पानी में रख रखी थी, ये देखिए, हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी कर्री होगी, कितनी सॉफ्ट होगी। इसमें कोई भी स्टार्च नहीं रहा, हमने कम से कम 3 या 4 पानी से इसे धोया है। ये देखिए पानी में कितनी अच्छी हो गई है। अब हम इसे इसमें उबाल आने के बाद ये चिप्स हम उसमें डालेंगे। ये चिप्स हम धीरे धीरे बनाएंगे, इकट्ठी नहीं बनाएंगे। तो तब तक पानी आ जाए, उबाल आ जाए, फिर हम इसे डालते हैं। दोस्तों, ये कढ़ाई में पानी अच्छा तेज हो गया है। अब हम इसे चिप्स को इसमें डाल देते हैं। धीरे हाथों से डालें, नहीं तो पानी आपको उचक सकता है। अब इसे कम से कम हम उबाल आने तक इसे पकाएंगे अच्छे से। दोस्तों, हमारी चिप्स हो रही है। इसे आप थोड़ी थोड़ी देर में इसे आप पलटते रहिए, ताकि ये हमारी चिप्स नीचे नहीं लगनी चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हम कोई भी तला पतला ले लें तो वो नीचे लग जाती है। तो आप थोड़ी सी पलटते रहिए इसे। और हमारी चिप्स हमें इतनी चाहिए कि ना कच्ची रहे
ना खूब होए, मतलब मीडियम चाहिए हमें चिप्स। तो इसका कलर चेंज हो गया है, एक उबाली आ जाए फिर हम इसे उतार दें। दोस्तों यहाँ हमारी चिप्स हो गई है, हमने सारी चिप्स ही ऐसे निकाल ली है। ये अब हम इसे धूप में किसी कपड़े पे अच्छे से डाल देते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ चिप्स डाल रहे हैं, ये चिप्स हमारी, कुछ चिप्स हमारी ठंडी होने को है,
हम यहाँ चिप्स डालेंगे और फिर हम आपको कल शाम को या कल फिर बताएंगे कि हमारी चिप्स कैसी सूखी है। चिप्स सूख गई है, बहुत अच्छी सूखी है और ये अब हमारे साल भर के रखने के लिए तैयार है। आप इसे 2 दिन की धूप और से सुखा लें, आप अच्छे से देख लें कहीं नमी तो नहीं है, कहीं रह तो नहीं गई है, तो आप अच्छे से इसे सुखा के आप रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।